सो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्पॉट पे, तो हम बुलाएंगे यहाँ पे नवीना को वीडियो बनाने के लिए। मैंने जीतू को बुला लिया है, एजे भी तैयार होके आ गया है, इसको तो घर पे चैन आया नहीं। घर पहुंच के तैयार होते यहाँ पहुंच गया दोबारा से ये, और मैं भी घर पहुंच के नहा धो के दोबारा हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। तो मिल लिया मैं सबसे, अब मिलना है नवीना से, तो उसको जीतू बुलाएगा नवीना को इधर किसी बहाने से, वो मैंने जीतू को बता दिया है। और हम लोग जाएंगे पीछे, देन आएंगे हम लोग, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो करें स्टार्ट, चलो। तो जीतू मिला रहा नवीना को फोन, कॉल गया। हेलो भाजाई, नमस्कार। नमस्ते, कहाँ हो? यही हूँ यार, एयरपोर्ट पे। अरे मैं भी यहीं को आया था ना। मैं ये नैनी सैनी के वहाँ ऐसे ही किसी के साथ आया हूँ, मैं सोच रहा था आपको मिला लूँ उससे। अब आओ तो सही, सरप्राइज है यार। आओ तो सही, आप बोल रहे थे फ्री हो क्या? यार अभी तो लेट हो रहा है मुझे घर के लिए। प्लीज यार 5 मिनट के लिए आ जाओ ना। हम ये जहाँ पे गोलगप्पे की दुकान थी ना वहाँ पे, वो आगे बैंड में। हाँ बैंड पे। ठीक है, निकल लूँ 5 मिनट में, निकल लूँ फिर आ जाऊँ। ठीक है ठीक है, फिर जल्दी आओ। तो नवीना को बुला लिया हमने, अब हम जाएंगे छुपने, और छुपन छुपाई होगी। अब उसके बाद पार्थ बनाएगा वीडियो, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। लेट्स सी क्या होता है, रिएक्शन देखते हैं नवीना का। तो गाइस ये चले गए हैं और नवीना आएगी आई थिंक वहाँ से, और नवीना आ भी गई है शायद देखा ना हो इसने। गाइस नवीना पहुँच चुकी है, बड़े जल्दी आ गए यार। तो अरे मेरी दोस्त भी बना रही है ना यार ब्लॉग वीडियो। हाँ तो एक आप फेमस हो ना पिथौरागढ़ के, और क्या पता उसके भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए। बहुत फेमस, तो मेरे साथ साथ सारे लोग होने वाले हैं फेमस। इधर इधर कहाँ है लड़की? लड़की इधर है, लड़की दिखाओ मुझे। लड़की अभी आ रही है, 5 मिनट में आ रही है, बस पहुँचने वाली है, तुम थोड़ा वेट करो यहाँ पे। ठीक है, कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? लड़की यार बिस्किट ही दे दो, कहीं भूख लग गई है। ये यार वो भी फ्लाइट से मिली है मेरे को। गाइस काजू, ओ तो गाइस कैसे आप सभी लोग, ये सब चीज सोचा नहीं था। हेलमेट दे दो यार बेटा। कैसा रहा सरप्राइज हमारे, बताओ। हाउ वाज द सरप्राइज? कल हम का बोलते हैं, हम तो कुछ भी बोलते हैं गाइस। एंजॉय एजे सॉकेट है, एजे तू भी अपनी गर्लफ्रेंड को ले गया यार। रोने नहीं दो यार, मैंने कल हम का बोलते ना। कब के बिछड़े हुए आज हम नैनी सैनी में मिले। कब आए तुम लोग? ये सारा सरप्राइज क्या हुआ, मेरा था, आज ये मिले तो सब मेरी बदौलत। ऑल क्रेडिट गोज टू मी। तभी बन रहे व्लॉग। अरे पहले दिन आने में बहुत सारे लोग यहाँ जान पहचान के निकल रहे हैं। पेट तो क्या मेरा यार, एक तो फेमस ब्लॉगर है ना यार। मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा, और इस बार मैं रो नहीं रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता तो था आने वाले, लेकिन मेरे को उल्लू बनाया गया था कल आने वाले। लग रही आज है कौन तुम? अरे नहीं मैं इससे ज्यादा क्यूट हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं था ना, नहीं तो मैं बहुत अच्छी बन के आती। लाल गाइस मुझे क्या, मेरे को तो बिस्किट खाने हैं, क्यूट कोई भी लगे। पार्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मेरी दोस्त आ रही है, एजे को भी दिखाऊंगा। तो फाइनली हम मिल चुके हैं नवीना से, और रिएक्शन काफी अच्छा था। और ड्रेस में तुम पब्लिक का रिएक्शन क्या रहता है?
नहीं यार वो सेल्समैन लग रही हूँ। कौन से बल्ब बेचने वाले आते हो? टी शर्ट बेचने वाले। तो गाइज ये है नैनी सैनी एयरपोर्ट जो पीछे दिख रहा है आपको, यही नवीना जॉब करती है और यही हमने मिलने के लिए बुला लिया। यही नवीना को उल्लू बना दिया। कैसा लगा फिर नवीना जी आपको मिलने? व्हाट अबाउट सरप्राइज? मैं नहीं बताऊंगी। बताओ ना बताओ ना बताओ ना। अरे बोलो यार। वैसे हम लोग बस स्टैंड में बुलाने वाले थे भौजाई को, बट थोड़ा सा कैमरा ऐसा ऊपर है, प्लान उतना वो नहीं रह पाया, तो हम लोग वहाँ से आए थे। वैसे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो अभी शाम के टाइम पे हमारा प्लान ये बोला, क्योंकि वैसे भी इनको पता लग रहा था कि हम लोग 3 या 4 दिन बाद आने वाले हैं, और ये बहुत ही हमारा चंजी और सुबह इसके मिस यू वाले मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो सरप्राइज दे देते हैं। खैर तो फाइनली आफ्टर 7 मंथ 7 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। दादाजी बिल्कुल ब्लैंक है। दादाजी की तरफ पैम तो यहाँ पे हमारे एक बूबू जी बैठे हैं जो कि लेकिन ठंडा बहुत है इधर वहाँ के अकॉर्डिंग। तो कुछ बताइए ना नवीना जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं नहीं बताऊंगी। बताओ ना। नहीं मैं नहीं बताऊंगी। शर्म से पानी पानी हो जा रही है। शर्म नहीं है वो एक्साइटमेंट है भाई, पानी एक्साइटमेंट पार्थ को ही है। तो ये देखिए अगले छुट्टी में एजे अपनी गाइस आउटफिट चेक गाइस। तो आप बता सकते हैं, आप जरा बताइए ज़ारा के मॉडल यार ज़ारा। तो आप लोग अगली छुट्टी में एजे को भी देखोगे अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देते हुए। आज क्या बात है, आंसू नहीं आए क्या? मेरे आंसू पेट में आ रहे हैं इस बार। तो गाइस मेरे अंदर पेट के अंदर बहुत सारे आंसू आए, मैं दिखा नहीं पा रही है देखो। तो गाइस मैं बहुत सैड हूं। हाँ जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहिए। गाइस मुझे लग रहा है ना सूरज की एब्सेंट पे ना नवीना ने गुटखा खाना शुरू कर दिया है। मैं अभी बिस्किट निकालने इसके पर्स में देखने गया, तो बिस्किट के साथ साथ इसमें पल्स भी थी, इसका मतलब ये गुटखा भी खा रही है लग रहा है। दांत दिखाओ देखो आपने दांत। अरे यार कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस दोनों साथ में। ये कितने पतले लग रहे हैं गाइस देखिए आप। चंजी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पतला हो रहा हूँ। नहीं तो गाइस यहाँ का मौसम बहुत ही रंगीन है, मजा आ गया यार। ठंडा मौसम है पहाड़ में आके ऐसा लग रहा है कि हाँ अपने घर आ गए हैं। वहाँ इतना गर्म मौसम है। कल वो कौन सा गाना गाते थे, कौन सा था? गाइस ये सिर्फ कैमरे पे ही बुरा लगता है, सामने से बहुत अच्छा लगता है। और इसकी पर्सनैलिटी तो वाह 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 वाह, फकीरों का सुल्तान। गाइस खाली मुलाकात ही मुलाकात हो गई यहाँ, तो खाने पीने को तो कुछ है ही नहीं। इनकी हम प्यार भरी रासलीला ही देखने में लग गए हैं। खाने के लिए कुछ नहीं कह रहे कि भाई कुछ खाएगा पिएगा। अब आर्मी वाले हैं तीनों के तीनों। गाइस ऐसा नहीं है कि हम लोग फेमस नहीं है, हम लोग इनके व्लॉग में आके फेमस होने के लिए नहीं आए, वी आर ऑलरेडी फेमस। मैं अभी सुन रही हूं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पार्ट, हम मैं कहना चाह रहा था कि हम यहां फेमस होने के लिए आए। कौन? हम लोग। यस यस तो हो गया, तो मेरे साथ आ गया। तो गाइस सुनो, उसको भी कर दो फेमस थोड़ा सा इतना। गाइस मुद्दा चल रहा है सीरियस। तो पार्थ की गर्लफ्रेंड ये रही, जो पार्थ बोला था मेरी गर्लफ्रेंड, ये रही पार्थ की गर्लफ्रेंड। ये दरिंदा जल्लाद हो जैसा, भगवान करे मेरे को सपनों में भी ऐसा, मतलब ऐसे सोच ही ना रखूं यार मैं। बाप मॉडल वाला लुक भी देगा ना फिर भी। तो अब एजी के लिए एक अच्छी सुशील कन्या का तलाश है। क्या पता है एजी की कोई बंदी सुनती होगी तो ये मेरे को आंख दिखा रही है। ऐसी बातें मत बोलो, पता नहीं क्या पता बस में बस यहाँ से नीचे को देखो, बहुत बड़ा दिल है इसका भाई अपना। क्या बोल रहा है? अबे लुक दिखाना है, बहुत बड़ा है गाइस। बस अब इसका लुक देखो आप, ये मुंह में पोल लगा, ये है गाइस इसका लुक। अच्छा लग रहा है ना, अब इसको दिखाया करो। अबे तुम ये देखो, ये 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मछली दिखा, ये देखो गाइस मछली। बेगुन जो बेगुन हो मात्र
होती है, हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, तो मंदिर जाएंगे, मंदिर जाना है। हाँ, तो हम लोग जाएंगे मंदिर और बहुत मस्त मस्त से व्लॉग बनाएंगे। मैं तो सोचू कल का, मैं सोची थी ना कल मेरे को बोला था कि कल आने वाले, तो मैंने सोचा था कि कल मैं बढ़िया से वो सूट वूट पहन के ड्यूटी के बाद बढ़िया रेडी हुई रहूँगी। बोला था कि शाम को आएंगे, तो लेकिन थोड़ा प्लान गड़बड़ आ गया, तो मेरे को ऐसे ही बैंकर तो पता नहीं, लेकिन मैं वो जो सेल्स बैंकर नहीं बैंकर ओ भगवान। तो ये देखिए, ये है पार्थ कांडपाल, मैं सबके नाम बता देती हूं। खड़ा है कि कोई गरीब मुझे कुछ खिलाएंगे, अब कहेंगे कि भाई चल अब कुछ खा लेते हैं करके, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ यार सुबह से।